हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होम किचन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही आसान तरीके से कैप्सिकम की सब्जी बनाएंगे। इसकी टेस्ट भी काफ़ी लाजवाब होती है। तो चलिए सब्जी बनाना शुरू किया जाए। गर्म कढ़ाई में 2 टेबल स्पून के लगभग ऑयल डाल लेंगे। अब इसमें चॉप किए गए कैप्सिकम और ओनियन डाल लेंगे। कैप्सिकम और ओनियन को थोड़ा बड़ा बड़ा साइज में काटने से सब्जी अच्छी दिखती है। इन सब्जियों को लाइट फ्राई ही करेंगे, तभी सब्जी अच्छी दिखेगी और साथ में टेस्टी भी बनती है। कैप्सिकम यदि ज़्यादा ग्रीन चाहिए तो आप इसी स्टेज पे इसे निकाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा और फ्राई कर लेती हूँ क्योंकि हल्का फ्राई होने के बाद इसकी टेस्ट काफ़ी अच्छी लगती है। अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। इस प्रकार से बनाई गई सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यदि बचा हुआ ऑयल ज़्यादा है तो ठीक है, नहीं तो 1 चम्मच ऑयल और डाल लेंगे। अब इसी ऑयल में चॉप किए गए प्याज को डाल लेते हैं। 6-7 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक के टुकड़े को डाल लेंगे। 1 मिनट तक इसे फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें 2 मीडियम साइज के चॉप टमाटर को डाल लेंगे। अब इन सभी चीज़ों को 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। इन सभी चीज़ों को फ्राई कर लेने से सब्जी की टेस्ट अच्छी बनती है। अब इसे ठंडा कर मिक्सर जार में डाल लेंगे और इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब उसी कढ़ाई में 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल डाल लेंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। हल्का गर्म ऑयल में ही तेज़पत्ता और साबुत गर्म मसालों को डाल लेंगे। अब इसमें 1 स्पून कश्मीरी मिर्च और 1 स्पून हल्दी पाउडर डाल लेंगे। हल्का गर्म ऑयल में ही इन मसालों को फ्राई करेंगे। ऑयल ज़्यादा गर्म होने से मसाले जल जाएंगे और सब्जी के टेस्ट के साथ साथ कलर भी खराब हो जाएंगे। मिर्ची और हल्दी को ऑयल में फ्राई कर लेने से सब्जी की कलर बहुत ही अच्छी बनती है। अब इसमें तैयार किए गए पेस्ट को डाल लेते हैं। इस जार में थोड़ा सा पानी डालकर डाल लेते हैं ताकि थोड़ा भी पेस्ट बर्बाद ना हो। अब इन पेस्ट को 1 मिनट फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून मीट मसाला डाल लेंगे। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल लेते हैं। 1 टीस्पून जीरा पाउडर डाल लेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल लेते हैं। थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डाल लेते हैं। अब इन सभी मसालों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल लेते हैं। मसालों को ढक ढक कर फ्राई करने से कम ऑयल में ही मसाले अच्छे फ्राई हो जाते हैं। मसालों को ढक कर 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। फिर उसे एक बार चला लेते हैं। अब इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर नमक डाल लेंगे। नमक को अच्छी तरह से मसाले में मिला लेंगे। फिर मसाले को ढक देते हैं। मसाले फ्राई हो रहे हैं तब तक हम लोग 2 चम्मच दही को फेंट लेंगे। दही को अच्छी तरह से फेंटेंगे तभी यह मसालों में अच्छी तरह से मिक्स हो पाएगा। देखिए दही अच्छी तरह से फिट गया। अब देखिए मसाले कितने फ्राई हुए। देखिए मसाले लगभग फ्राई हो चुके हैं। अब गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे। अब मसाला ठंडा होने पर इसमें फेंटे गए दही को डाल लेंगे। गर्म मसालों में दही डालने से बहुत बार दही फट जाता है, इसलिए मसाला ठंडा कर कर ही दही को डालेंगे। और अब गैस को ऑन कर लेते हैं। अब दही और मसाला को अच्छी तरह से मिलाते हुए फ्राई करेंगे। फिर इसे थोड़ी देर के लिए ढक लेते हैं। इन्हें ढक कर पकाने से दही के साथ साथ मसाले भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। देखिए मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें फ्राई किए गए कैप्सिकम और ओनियन को डाल लेते हैं। अब इन्हें अच्छी तरह से मिलाते हुए 2 मिनट तक फ्राई करेंगे।
देखिए सभी चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई हो गए। अब इसमें पानी डाल लेते हैं, ज़्यादा पानी की इसमें आवश्यकता नहीं होती, 200 ग्राम के लगभग इसमें पानी डाल लेते हैं। पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इन सब्जी को ढककर 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। 3 मिनट हो गए हैं, अब देखिए सब्जी कैसा हुआ। देखिए सब्जी की ग्रेवी बहुत अच्छी दिख रही है। अब इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल लेते हैं। गरम मसाले को सब्जी में अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे। देखिए सब्जी कितनी अच्छी बनकर तैयार हो गई है, यह बहुत ही टेस्टी बनी है। यदि रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।